सियासत नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आई है। तुहानू दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा अते चरणजीत सिंह चन्नी सने कई जो मंत्री ते विधायक है उन्हां दी गुप्त मीटिंग हुई है। बेअदबी मामलों नूं लैके गुप्त मीटिंग की गई है, चंडीगढ़ च हुई है मीटिंग। बेअदबी मामलों ते वंडदी नज़र आ रही है कांग्रेस, कई विधायक ते मंत्री रहे मौजूद, दो फाड़ हुंदी दिखाई दे रही है कांग्रेस। तुहानूं दस दईए कि सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर सामने आई है जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह सने, सुखजिंदर रंधावा सने, चरणजीत सिंह चन्नी इस मीटिंग च मौजूद रहे ने। सो इसे वधेरे जानकारी लई साडे नाल एसोसिएट एडिटर साडे जगदीप संधु जी साडे नाल जुड़ चुके ने। जी जगदीप जी, जेकर गल की जाए इस मीटिंग तो बाद विरोधी किते ना किते कांग्रेस नूं दो फाड़ हुंदे दिखाई दे रही है विरोधियों नूं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ खुद कुछ मंत्री और कुछ एमएलए ने इस गल तो कंफर्म किया है कि ये मीटिंग जी है चंडीगढ़ कल हुई है, और इस तो एक पहली मीटिंग नहीं, इस तो पहला भी तीन मीटिंग हो चुकी है ना, जिस बहुत सारे एमएलए जुड़े हैं उन्होंने खुल के गल की है। असं देखा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार एमएलए मीटिंग कर रहे हैं, और कल भी जेडे पंजाब के सारे एमपीज है उन्होंने भी गल की गई थी, और अज भी इस बारे जे एमपीज की सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेजिडेंट है उन्होंने भी चर्चा हो सकती है, शायद इस मुद्दे को जोर शोर में चुकया जा सकता है। कुल मिला के कैप्टन साहब की विरोध तो जी है वो पार्टी के अंदरों शुरू हो गई है, और बहुत सारे एमएलए और बहुत सारे मंत्री जोड़े हैं वो खुल के मुखर हुए हैं। पहली बार शायद इस तो पहला कभी एडा वा चैलेंज कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं मिलया, लेकिन जिस तरह एमएलए खुल के आ गए ने कि जे बैबल कला और कोटकपुरा के दोषी है उन्होंने अगर उन्होंने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो 2022 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो देखने वाली गल होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कार्यक्रम के हाथ लगी है उन्होंने कैसे बुझाएंगे, क्योंकि जो एमएलए जो लगातार मीटिंगों का दौर कर रहे हैं, और सब तो बड़ी हैरानी इस गल की है कि नवजोत सिंह सिद्धू जोड़े है वो इस मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि अभी देखा कि कैप्टन साहब तो नवाज जो एमएलए होंगे अक्सर उन्होंने नाल खड़े होंगे, लेकिन जिस तरह पूरी लीडरशिप पूरे जोड़े एमएलए और मंत्री ने वो अंदर खाते ही गल कर रहे हैं कि बैबल कला के उपर किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीपीए गलबात करते हुए एक्सक्लूसिव गलबात किया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जाएगा, और कोविड करके सुप्रीम कोर्ट जो है उसे वर्चुअल हेयरिंग चल रही है, और उन्होंने कोशिश होगी कि 2022 तो पहला इस लड़ाई को किसी अंजाम से पहुंचाया जाए, क्योंकि 2022 बहुत वाला मुद्दा दोबारा होगा कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी हुई थी उस उससे सरकार ने पिछले 4 साल तो की किया, और कोटकपुरा और बैबल कला फायरिंग हुई थी उसके दोषियों को सजा क्यों नहीं हुई। तो कुल मिला के बहुत वड्डा एक संकट कह सकते हैं कांग्रेस का, अंदरूनी संकट बन चुकी है जी। जगदीप जी, जेकर मुख्यमंत्री वाल देखिए तो कहो जे संकेत ने 2022 दे कि लगता है कि चैलेंजिंग होने वाला है आने वाला समा। जी बिल्कुल, बहुत सारे जड़े मंत्री ने खुल के कैप्टन साहब की लीडरशिप में चुनौती दे रहे हैं, हालांकि जो है पहले कभी देखने को नहीं मिले, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फार्म हाउस पे एमएलए 15-15 ने ग्रुप बना के एमएलए का गलबात की थी, और उस गलबात में भी एमएलए ने अपनी जी है परेशानी रखी थी कि लोगों में तुम की मुंह लेके जाइए, हर बार सानू लोग सवाल करते हैं कि तुम की किया 4 साल से बेटी के केसा के पीछे। सो सोशल मीडिया से लगातार जी है सरकार को सवाल किए जा रहे, एमएलए सवाल किए जा रहे हैं, और जी एक लोकल बॉडी इलेक्शन जीत के कांग्रेस बहुत अपडेट थी कि 2022 में शायद आराम दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन इस केस में हाईकोर्ट के केस में सरकार को कितने ना कितने बैकफुट से लैंदा, हुण देखना होगा कि अगे स्टैप जिहड़ा है एमएलए का की रहिंदा है। रही गल नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी इस मीटिंग में, इस बारे चर्चा चल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्लीयर करता है कि जी
जी बिल्कुल जगदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसे ते वधेरे जानकारी साडे नीतिका महेश्वरी भी साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां तों भी जरूर असी गलबात जाणांगे। जी नीतिका, लगातार तुहाडी MLAs नाल ते मंत्रियों के नाल इसे नूं लैके गलबात हो रही है, की रणनीति है अगले की? जेकर गल की जाए, असी तां देख रहे हैं कि दो फाड़ कितें ना कितें हुंदी कांग्रेस दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री नूं CM कैप्टन नूं चैलेंजिंग एक चैलेंज वजो देखा जा रहा है इस मीटिंग नूं, होर की कुछ गलबात हुई है तुहाडी? बिल्कुल परमवीर, पहला तो सब तो पहला दस दिए कि मीटिंग जी है वह कल भी हुई सी, इस तो पहला भी मीटिंग जीडिया ने वह चल रही ने, गुप्त मीटिंग हो रही ने, इस बारे किसी को जानकारी ना मिले। चंडीगढ़ के मीटिंग हुई, सब तो खास इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सुखजिंदर रंधावा हमेशा मुख्यमंत्री के नाल खड़े हुए नजर आए ने। पर याद होगा तो लास्ट टू लास्ट जी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उदो सुखजिंदर रंधावा ने इस्तीफा दिता से, हालांकि नामंजूर कर लिया पंजाब के मुख्यमंत्री ने। पर उस तो बाद हुण सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू, प्रगट सिंह, फतेह बाजवा, नाली पाड़ा से इस नाल ही जो गल की जाए होर जो लीडर्स ने लाडी जिमें हो गए, उन्होंने ही एक गुप्त मीटिंग की है। तो फिलहाल उन्हों का यह कहना है कि असी इस मामले नूं लेके अपनी सरकार नूं नहीं घेर रहे, या फिर असी मुख्यमंत्री नूं नहीं घेर रहे, बल्कि असी कह रहे हैं 2017 च जिहड़ा असी वादा कीता सी उहनूं पूरा करना पएगा, नहीं तां साडी पार्टी नूं बहुत कुछ जिहड़ा है सहना पएगा। यानी कि बैकफुट ते पहला ही पार्टी आ गई ते लोग उहनां तों जवाब मंग रहे ने। तो उहनां दा कहना है कि जिहड़ी मीटिंग होई सी उहदे विच बेसिकली इस बारे गलबात कीती गई कि फ्रेंडली मैच जिहड़ा है अकाली दल ते अकाली परिवार ते CM पंजाब दा उह खत्म किया जाए, तो इस मामले की जी कार्रवाई है वह पूरी तरह की जाए। क्योंकि जे अस परमवीर देखिए भी काफ़ी दिन हो गया फैसला आए हुए भी, पहला ऑर्डर से कॉपी का सारे इंतजार कर रहे थे, तो हम काफ़ी दिन हो गए, हाले तक तो कोई भी कार्रवाई जी अगे नहीं की गई। भावें मुख्यमंत्री कह रहे थे कि असं सुप्रीम कोर्ट का रुख करा, यही गल जी सुनील जाखड़ ने कही थी कि असी सुप्रीम कोर्ट का रुख करा, पर कदों तक करेंगे? उदों तक तो लोग जोड़े ने सवाल चुक रहे हैं, तो नाल ही नाल ये भी बोल रहे हैं कि जोड़ा फ्रेंडली मैच चल रहा है। क्योंकि ये परमवीर किसी ने ना एक गल कही थी, वो बड़ी सटीक बैठती है इससे कि ना कि 2022 चोणों लिए पंजाब कांग्रेस ने एक कह सकते हैं कि इस केस में संभाल रख्या कि शायद उस वेले जो कार्रवाई की जाएगी तो ज्यादा उसका माइलेज जरा है वह सरकार नूं मिल पाएगा। पर कहते कोई बंब जो आपके को रखा हो चार साल बाद वो खुद ही अपने घर ही फुट गया, वो वाला सीन जरा कांग्रेस के नाल होया बेसिकली। तो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर आए ने उस नाल पंजाब सरकार नूं सैटबैक लग गया है, लेकिन हाले तक सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही पंजाब के मुख्यमंत्री दे खिलाफ जिहड़े ने खुल के बोल रहे सी, पर हुण लग रहा है एक होर ग्रुप जिहड़ा है वह बनन लग गया। यह भी दस दिए कि मीडिएटर का काम जिहड़ी जानकारी सानू मिल रही है चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे ने, उन्होंने पहला पटियाला जाके नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मुलाकात की, उस तो बाद ये मीटिंग जिहड़ी है वह चंडीगढ़ के विच हुई। यह भी दस जानकारी सामने आ रही है कि होर MLA नूं भी अप्रोच किया जा रहा है, पर उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि असं पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, असं सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2017 तक असं वादा किया कि असी दोषियों नूं सज़ा दवा के रहेंगे, ते नाल ही जिहड़ी जांच है मुकाम ते पहुंचावांगे। तो यह जरूरी है कि असी अपना वादा जिहड़ा है पूरा करिए, नहीं तो लोग सानू 2022 दे विच एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल हुण होर भी लीडर जिहड़े ने मिल गए ने, इसलिए कह सकते हैं कि हुण कांग्रेस जिहड़ी है दो फाड़ हुंदी हुई नजर आ रही है, पर जी पोलिटिकल यह डिवेलपमेंट जिहड़ी है पंजाब तो सामने आ रही। नीतिका, इतने असं कह सकते हैं कि एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू वखरा धड़ा बना के ते मुख्यमंत्री CM कैप्टन नूं इह एक चैलेंजिंग वजो देख रहे ने, क्योंकि लगातार 2022 दीआं चोणां भी आ रही ने, ते जिवें कि वह कह रहे कि मैनूं प्रधानगी दा अपनी पेशकश की सीगी उन्होंने, फिर उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कीती सीगी जिसनूं टाल दिता गया जां रद्द कर दिता गया, पर लग रहा कि यह दो फाड़ इसे लिए किया जा रहा क्योंकि जो चाहुंदे सीगे उन्होंने नहीं मिलिया। देखो जो असी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत घट इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो दूसरे MLA की गल की जाए या मंत्रियों की गल की जाए, उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि असी यह नहीं कह रहे कि असी अपनी अलग पार्टी बनावांगे या असी बिल्कुल अलग राह से चलांगे, असी सिर्फ और सिर्फ सरकार नूं अपील कर रहे हैं। पहला भी असी अपनी अपनी राय दे चुके हैं, तो हुण भी यही अपील कर रहे हैं कि इस मामले दे विच जिहड़ी है बंद की कार्रवाई की जानी चाहिए। चार साढ़े चार साल हो गए सरकार बने नूं, ते हाले तक जे असी यही सोच रहे हैं कि असी सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है या की कार्रवाई करनी है,
इसलिए तुसी देखोगे परम थोड़े दिन तो सब तो ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज नूं लेके चल रही थी कि आखिर एस आई टी दे विच केड़े केड़े मैंबर्स नूं रखा जाए, क्योंकि पहला भी पांच मैंबर्स जिहड़े ने ओह चूज किते सीगे, उहदे विचों कुंवर विजय प्रताप ने इस्तीफा दे दिता। इन्हां पंज दी राय भी जिहड़ी आपस च नहीं मिलदी सी, जदों भी कोई एफिडेविट दाखिल किया जाता सी या फिर कोई रिपोर्ट दाखिल की जाती सी उहदे ते सिर्फ और सिर्फ कुंवर विजय प्रताप दे साइन हुंदे सीगे, होर किसी दे साइन नहीं हुंदे सी। हाई कोर्ट ने इसलिए पंजाब सरकार नूं झटका दिता इह मेन, क्योंकि मुख्य जिहड़ा बिंदु है कुंवर विजय प्रताप की इनकुआरी ते हाई कोर्ट ने सवाल भी चुके, उन्हां ते टिप्पणियां भी कीतियां, नाल ही इह भी कहा कि जो हम तुम कोई ऑफिसर की जो एस आई टी बनाओगे उन्होंने सब की राय मिलनी चाहिए है। अजिहा नहीं होना चाहिए कि एक रिपोर्ट से तीन जन के एक जन के साइन है बाकी सारे के साइन ही नहीं। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बार कोई भी जल्दबाजी च फैसला नहीं ले रहे, उन्होंने देखो पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाल मुलाकात की, उन्होंने इस बारे गलबात की, उस तो बाद उन्होंने विधायकों बुलाया विधायकों मुलाकात की, मनिया जा रहा कल एम पी के नाल भी यही गलबात की जाएगी। पर जिस तरह प्रताप बाजवा ने दसिया कि पांच सात दिनों के विच साड़ी इस बारे गलबात है, मीटिंग है, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस बार नहीं चाहते कि कोई सिंगल परसन डिसीजन ले ऑफिसर्स नूं लेके, इस बार का डिसीजन जिहड़ा कलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक ही परसन से सारी गलबात आ जाती है। जिस तरह सुखजिंदर रंधावा से पिछले कई दिनों के आई कि कुंवर विजय प्रताप का जो नाम सजेस्ट किया सीगा तो वह सुखजिंदर रंधावा ने किया, यही कारण है कि सुखजिंदर रंधावा भी अजकल थोड़े खफा जिहड़े ने वह नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ना दसे थे, फाइनल फैसला जो पंजाब के मुख्यमंत्री के नाल ही होम जो होम डिपार्टमेंट ने लेना है। कह सकते हैं कि सारे एक दूजे ते आरोप लगा रहे ने, एजी ऑफिस कहंदा है कि सानू कदे चलान दी कॉपी दिखाई नहीं, पर इस नाल जरूर कांग्रेस जनितका साडे नाल जय किशन रोड़ी आम आदमी पार्टी तो जुड़ चुके ने, उन्हां नाल असीं गलबात जरूर करांगे। जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जी जय किशन जी आवाज आ रही है? जी हां जी आ रही है जी। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। मेहरबानी सर। एक खबर सियासत विच भुचाल लै आंदा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सने, प्रगट सिंह सने, सुखजिंदर रंधावा सने, चरणजीत सिंह चन्नी भी सी, ते होर भी कई MLA है, इन्हां वल्लों गुप्त एक मीटिंग की गई है, ते जो विरोधी ने वह इस नूं दो फाड़ हुंदा दिखाई दे रहे ने कांग्रेस ने, तुहाडी की राय है? देखो मैं ना इस ते कुछ कहना कोई बहुता चंगा नहीं समझदा। कारण की है उहदा, अज पंजाब दे जो हालात ने, देश दे जो हालात ने, पूरे संसार दे जो हालात ने, उस विच कोई गल लुकी छुपी नहीं है। हस्पतालां दे विच ना तां ऑक्सीजन है ते ना बैड है, लोकां दी दुकानां बंद है, लोकां दे रुजगार बंद है। जेकर कोई अपने घर का मरीज लेके हस्पताल जांदा तां राह दे विच पुलिस उहनूं रोक के मोटे मोटे चलान करदी है, ते कांग्रेसी लीडरां नूं अपनी कुर्सियां दी पई है, ये अपनी मंत्रियां दी अपने जिहड़े अपने मंत्रीशिप पछाणू पए है, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਬਣਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੜਕਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
अकाली दल से ना ही कैप्टन दे विच चल रहा है। यही चीज हुण कांग्रेस दे खुद दे लीडर्स भी कहन लगे, यानी कि किते ना किते तो लगता है कि इस मामले के कारण कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट से आ गई है, तो हुण दो फाड़ हुंदे हुए नजर आ रही। देखो पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल का सफाया हो गया, उन्हां दी पार्टी खेरू खेरू हो गई, भावें ब्रह्मपुरा साहब सके, भावें अजनाला साहब सके, भावें जिहड़े ढींसा साहब सके, होर भी जिन्ने सके, उस तो बाद पार्टी बची सी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी दे जो चीथड़े उड़े है इहदे विच कोई गल अज लुकी छिपी नहीं रही कि 40 MLA पहला जिहड़े आ कैप्टन साहब तो अलग हो के कसमां खांदे आ कि जी पंजाब दे विच नशा ज्यों दिया त्यों है, पंजाब दे विच किसे नूं रुजगार नहीं मिलिया, पंजाब दे विच सस्ती बिजली का वादा किया सी ओह पूरा नहीं किया, मुड़ के उहनां विचों दो चोर नूं जदों श्रोमणी अकाली दल तो ब्राड साहब बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। जी रोड़ी साहब तुसी कंटिन्यू कर सकते हो जी। हेलो जी रोड़ी साहब तुसी कंटिन्यू कर सकते हो अपना जवाब। मैं जिहड़ी गल कह रहा सीगा जी कांग्रेस दे विच जिन्ने MLA जिन्ने मंत्री आ मैनू एक दसो जो कैप्टन साहब तो खुश होण, पर फिर भी जो कहते तुसी उन्हों टेलीविजन दे विच पुछोगे तो वह कैप्टन साहब के सोहे गाण लग पैंदे आ, ते नाल ही ये शब्द वरतदे कि अफसर साडी सुनवाई नहीं करदे। इतों तक के जिहड़े छतराणे तो MLA ने निर्मल सिंह जी उन्होंने कहा कि मेरे कहन तो तहसीलदार 15,000 रुपया रिश्वत मंगता है। दसो कादे MLA ने कादी सरकार है कि उन्होंने सरकार के उन्होंने ही तहसीलदार उन्होंने बंदे तो 15,000 रुपया रिश्वत ले काम करते हैं। मैं विरोधी धिर दा MLA बैठा कहो कि मेरे हल्के च कोई तहसीलदार मेरे बंदे तो पैसे मांग के दिखा दे जां किसी आम बंदे तो पैसे मांग के दिखा दे, कमाल की गल, जुड़ पाउणे चाहीदे ने MLA दे विच, कर की रहे ने। जी बिल्कुल ब्राड साहब को रिएक्शन ले लेने हैं। रोड़ी साहब मेरी कुर्सी बची रहे, मेरी टिकट बची रहे। जी जी ब्राड साहब मीटिंग हुई है जिस विच सियासत एक बार फिर तो मग गई है, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ते नाल चरणजीत सिंह चन्नी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस मीटिंग च मौजूद होए ने, ते बेअदबी मामलों नूं लैके मीटिंग की गई है, हालांकि विरोधी धिर इस नूं दो फाड़ कांग्रेस ही देख रहा है, श्रोमणी अकाली दल इस नूं कैसे देखता है? देखो सब तो पहला तो बदकिस्मती वाली गल है कि साडे अहम ते एडे सेंसिटिव मुद्दे दे उत्ते जिहड़ी है सियासत हमेशा भर हो रही है, पहला भी इन्होंने सियासत की थी, हुण भी कर रहे हैं। मैं बेनती करूंगा जिहड़े अलग होकर मीटिंग की है, वैसे तो इन्हों का इंटरनल मामला है और पावर ग्रैब का मामला है, ना कि कोई बेअदबी का इन्हों कोई दुख है। बेअदबी के मामले के कोई बाकी के मामलों के जो संजीदगी वरतते तो यह तो सवा 4 साल हो गए उदों दे क्यों चुप बैठे थे? 10-10 महीने वाप रिकॉर्ड वापस लैन लई CBI नूं चिट्ठियां तक नहीं दिखियां। जनवरी के माननीय हाई कोर्ट ने इन्हों की जांच रद्द करके नवें सिरों करके नवीं चिट पड़ा के कहता भी तुसीं जांच करो, ये उदों भी क्यों नहीं बोले गए? इस करके अच सिर्फ तो सिर्फ ये दो धड़े बन गए कांग्रेस के विच, पावर ग्रैब का जिहड़ा हैगा वह मुद्दा आ, जे होर इन्हां नूं कोई बेअदबी का दुख नहीं है। मेरी यह मंग है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार च भी 125 के लगभग बेअदबियां पंजाब दे विच हो गईयां, की साडे गुटका साहब की साहिब जी गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हां की बेअदबी हुई है की वह साडे लई घट महानता वाले ने? इस करके सानू सारयां नूं संजीदा होने की लोड़ है कि घट्टो घट्ट यह जे सेंसिटिव मुद्दे दे उत्ते सियासत ना करिए। एक रोड़ी साहब जो मैं जुड़े हाँ उदों कह रहे थे कि अकाली दल खेरू खेरू हो गया, मैं बेनती करते हैं ब्रह्मपुरा साहब वर्गे ने जो महंगा हो गए जी इलेक्शन भी करी तो उन्होंने उम्मीदवार 10-10, 8-8 हज़ार वोट पई जिसे थोड़ी आम आदमी पार्टी तो खहरा साहब वर्गे भी टुट के गए थी, सारे ने फ्रंट जहा बना के इलेक्शन लड़िया। इस करके किहदे टुटन नाल फिर थोड़े तो 8-9 MLA, इस करके जिथे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गल आ जाए जो आ जाए आप कली वो गल करिए बेहतर होंगे। रोहित साहब मैं तुम्हें बेनती करूंगा, बाकी सियासत आप करी जानी है, सारा दिन एक दूजे को भंडी जाना गल कटी जानी है, उसके नाल ना तो बेअदबी का मसला हल होना तो ना ही कोई किसी MLA ने मीटिंग कर मिलना तो जहां कोई सानू कुछ वोटा घट पध पेरू फेरू ठीक है जी इस पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है ब्राड साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जय किशन रोड़ी जी तुहाडा भी, नितिका तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद अहम जानकारी लई। सो कुल मिला के तुहानू दस दिए कि यह बेअदबियां का जो मामला है इसनों लैके कितना कितने कांग्रेस जो है वह दो फाड़ होंगी दिखाई दे रही है।